हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो यहाँ पर मांटू कर रही है पढ़ाई, क्योंकि आज है उसकी छुट्टी। आज 2 अक्टूबर है, तो 2 अक्टूबर की मांटू की भी छुट्टी है और मांटू के पापा की भी छुट्टी है। तो मैंने यहाँ पर अपनी आज बेडशीट चेंज कर दी है, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो वो मैंने आज थर्ड टाइम डाली है बेड पर, तीसरी बार ही बिछाई है। तो यहाँ पर हमारे चौधरी साहब भी नहा चुके हैं, और आज ये मैं सच शाम के टाइम में नहाए, जब मैंने इनको याद दिलाया कि आप आज नहाए नहीं हो। ऑफिस जाते हैं तो सुबह सुबह में नहा लेते हैं, वो रोज़ का रूटीन होता है, पर जब ये घर होते हैं ना तो ये आलस करते हैं, मतलब नहाने में। शाम के टाइम में जा कर के बड़ी मुश्किल से ये नहाए हैं, कह रहे पानी ठंडा है, और अब वैसे पानी ठंडा आने लगा है, एक बार को डालते हैं तो सुबह की सी आ ही जाती है पानी डालते वक्त। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज दिन है वेनसडे, और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं प्रिया के साथ में। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और अभी जो है मैं किचन में जाने वाली थी, और आज मैं सच में बताऊँ, मैं आज मतलब मूड नहीं था थोड़ा सा वीडियो बनाने का मेरा, तो पता नहीं मुझे फास्ट में मुझे ही होता है, सबको ये परेशानी होती है, मुझे थोड़ा सा ना आलस सा आता है जब मतलब व्रत होता है। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? तो ले लो ना बेटा अपना लॉलीपॉप। कहाँ है लॉलीपॉप? कहाँ से आई? मैं तो दुकान की चीजें बेटा मना करी थी ना, डॉक्टर ने उस दिन मना की थी ना, डॉक्टर ने मना नहीं करी थी उस दिन जब दांतों की फिलिंग करी कि बाहर की चीज नहीं खानी, उसी की वजह से तो बेटा खराब हो रहे दांत। क्या कपड़े? हमारे चौधरी साहब आ गए, इतने सारे कपड़े लाए, और ये सारे देखो हमारे चौधरी साहब के, सब बोल रहे हैं ये दो ही कपड़े पहने, ये रे सारे कपड़े इन्हीं के हैं। अब आप लोग झोला है आज से सामान पन्नी बंद। हाँ, पन्नी बंद हो गई है, और सुबह ये दूध लेने गए तो सुबह थैली और केले हाथ में थे इनके, एक अच्छा सा मतलब अब थैला लाना पड़ेगा। अच्छा ही हुआ वैसे ये पन्नी वन्नी बंद हो गई, जरूरी है, दिख नहीं रहे ना। नहीं भाई, जुलम हो गए हमारे चौधरी साहब पर, जुलम हो बेटा। अच्छा ठीक, विनीत तो भी यही था, चला गया वो। अच्छा, वो आ गया गुड्डन। हाँ, तो आज का जो व्लॉग है वो इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया थोड़ा सा मुझे आलस आ रहा था वीडियो बनाने में, पर फिर अगर मैं आप लोगों से ना मिलूं तो वही मैंने जब सोचा, जब लोग कल कमेंट करेंगे दी व्लॉग नहीं आया, व्लॉग नहीं आया, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा चलिए अभी से स्टार्ट कर लेते हैं। और एक आपको खबर भी देनी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और मतलब पूरी फैमिली से जुड़ी हुई है, वो भी मैं आप लोगों को दूंगी। एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है हमने पूरे परिवार को देखते हुए, तो वो भी आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर करूंगी मैं। और ये फैसला परिवार से संबंधित है, कुछ और आइडिया मत लगा लेना, सच्चा आते हैं उससे रिलेटेड नहीं, कुछ डिफरेंट है। और आई होप कि आपको ये ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि जो फैसला लिया है वो फैसला लेने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे आगे आप लोगों को। बट ये बात सही है कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत उस हद तक चेंज होने वाली है अब, है ना? करेक्ट, चेंज हो जाएगी बहुत कुछ। चलिए अभी बदल जाएगा। हाँ, अभी किचन में चलते हैं और फिर आप लोगों से तसल्ली से बैठ करके बातें करूंगी। अब हम दो जने हैं, और दो जनों का ढाई जने हैं, मतलब ढाई जनों का, हाँ सवा दो ढाई जो भी है, खाना पीना बनाना है। अब मैं अपनी बनाऊंगी खिचड़ी सामक के चावल की, इनकी बनाऊंगी दाल। अब देखियो ढाई आदमी और ढाई मुझे खाना बनाना पड़ेगा, और सारे ये कपड़े भी लगाने हैं। चंचल चंचल तो है, आप जान चंचल का खाना अलग है, चलो के साथ खाती है पूरा, अलग अलग डिश के साथ अलग अलग दिन खाती है, कभी टमाटर कभी बनाना सेक कभी कुछ कभी कुछ, उसको अलग अलग चीज़ें चाहिए। हमारी चंचल एक चीज सी चीज़ें नहीं खाती, रोज रोज बोर हो जाती है वो भी। चलो फिर किचन में चलते हैं। मैं किचन में आ गई हूँ, और मैं तो कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी है,
और दूध भी गर्म करना है। दूसरी तरफ हमारे चौधरी साहब नहाए हैं तो चाय चाहिए उनको भी। मैं अपना बाकी का काम कर रही हूँ। मांटू घुमा के लाई है चंचल को नीचे, तो आज उसको हमने थोड़ा सा वो गले में ना उसके पट्टा डाला है घुंघरू वाला, बज रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे घर में वो छम छम करती फिर रही है। तो मैं जब भी लोहे की कढ़ाई में छोंक लगाती हूँ तो सबसे पहले उसको वॉश कर लेती हूँ। जो है दाल उबाल ली है और मैंने बनाई है पीले वाली दाल, यानी कि मलका जो मसूर होती है, मलका मसूर नहीं, वो तुहर की दाल, मलका मसूर याद है, तुहर की दाल बनाई है। और मांटू के लिए और इनके लिए दाल हो जाएगी, बहुत अच्छे से बन गई है ये मुझे पता है, मुझे ये दाल खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है चावल के साथ में, पर मेरा व्रत है मैं खाने का सोचूंगी भी नहीं। और बस अभी मैं इस दाल को छोंक लगा देती हूँ और उसके बाद मैं बना लेती हूँ अपनी खिचड़ी। मंगाए तो है चावल, देखते हैं हमारे चौधरी साहब वही लेकर के आए हैं क्या। तो मैंने ये मंगाए हैं दुकान से 20 रुपए के सामक के चावल, और इसमें मैं 2 आलू डालूंगी काट के, और टमाटर में छोंक लगा लूँगी, हरी मिर्च, काली मिर्च, नमक, जो भी मतलब हम खाते हैं नॉर्मली वही। दाल बनाने के बाद में मैंने कुकर को अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसमें डाल दिया है 2 चम्मच घी और जीरा। मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए सामक के चावल की खिचड़ी। तो जीरा भुनने के बाद में मैंने इसमें 1 टमाटर डाल दिया है, टमाटर में मैंने 2 हरी मिर्च काट कर डाल दी है। तो इसको अच्छे से पका लूँगी मैं टमाटर को, और इसमें थोड़ी सी डाल दूँगी मैं काली मिर्च। तो काली मिर्च डालने के बाद में थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है सेंधा नमक, जिससे कि टमाटर जो है वो अच्छे से पक जाएं, और इसको मिक्स कर लेना है। मैं मतलब टमाटर मैं हो या हमारे घर में कोई भी हो, जब तक कि बिल्कुल मतलब ये नहीं लगता है कि हाँ टमाटर नहीं है सब्जी में, तो ही खाने में अच्छी लगती है। जो वो मुँह में आ जाते हैं ना तो बहुत अच्छा गंदा सा टेस्ट आता है उसका। और बस मैंने इसमें चावल और आलू डाल के इसको बंद करके रख दिया है। और यहाँ पर मैं जो बाकी का मेरा किचन फैल गया है उसको समेट लूँगी मैं, और समेट मतलब वही है ना, जब हम साथ के साथ में क्लीनिंग करते रहते हैं तो हमारे लिए ही काम आसान हो जाता है। और बाहर मैंने लोग बोलते कि आपने वहाँ पर डस्टबिन क्यों रखा हुआ है, तो देखिए बहुत छोटा सा घर है, बहुत उससे चीज़ें जो है मैनेज करनी पड़ती है। मुझे ही पता है, बस मेरे मन को पता है कि मैंने कैसे कैसे सामान समेट के रखा हुआ है अपना। सारा किचन क्लीन करने के बाद में अभी मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी और जो भी हो चुके हैं उनको साफ़ करके रख दूँगी, वरना फिर मेरे एक बार अगर बर्तन जुड़ने लगते हैं ना तो फिर बहुत सारे हो जाते हैं, और उनको साफ़ करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बर्तन एक साथ में साफ़ नहीं होते हैं, इसीलिए मैं अपने थोड़े थोड़े करती रहती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर आटा लगा करके रख दूँगी, और आटे को मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट ढक कर के ऐसे ही रखना है घी का हाथ लगा कर, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए। और अभी आ गई हूँ मैं अंदर वाले रूम में, तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर सांझी माई का आरता। तो शाम के टाइम में ही होता है आरता, तो मैं आरता कर लूँगी। मांटू अपनी मतलब बस खेल खूल में लगी हुई है, और यहाँ पर मेरी खिचड़ी भी जो है वो बनकर के रेडी हो चुकी है। पतली सी बनाई है मैंने, और मलाई इकट्ठी हो गई है, मलाई में से भी घी निकालना है मुझे। देखती हूँ एक दिन टाइम मिल जाए तो मैं ये काम भी अपना कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा मलाई हो जाती है तो उसमें खुशबू आने लगती है। और अभी सबसे पहले मैं इनको रोटी दूंगी बना करके, मेरी खिचड़ी बनी हुई रखी है पर हम सब साथ में ही बैठ करके खाना खाएंगे अभी। मेरा जो खाना पीना है वो सब
सब कुछ बन चुका है और मैंने उनको रोटी दे दी है बना करके, क्योंकि मुझे सुकून तभी मिलता है खाना खाने में जब ये लोग होगा बन जाता है ना, तो वही मैं शांति से बैठ करके खाती हूँ। और अभी मैं अपनी खिचड़ी भी डाल लेती हूँ। व्रत का खाना सुकून से एक टाइम खाते हैं, थोड़ा सा सुकून से चैन से बैठ करके ही खाना चाहिए। तो मैंने खिचड़ी डाल ली है, प्लीज़ आप लोग भी खा लीजिए। और देखने में तो टेस्टी लग रही है, खाने में भी सिंपल सी है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। चलिए खाना खाते हैं अभी बैठ करके। तो हम सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, तीन लोग हैं, तीनों अलग अलग बैठे हुए हैं। और मैं इनको दे रही हूँ मीठा, अभी जो है गुड़ नहीं आया है, और खाने के साथ में हमें मीठा ज़रूर चाहिए, वो तो मिठाई है तो ले लेंगे। और हमें गुड़ भी मंगाना है पर अभी आया है नहीं, वो जो नए वाला आ रहा है वो ज़्यादा मसाले का आता है, तो हम देखते हैं गांव में से ही मंगवाएंगे क्योंकि यहाँ का इतना अच्छा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स खाना पीना तो सब कुछ हो गया है, और बर्तन कुछ तो मैंने साथ के साथ में साफ़ कर दिए थे, थोड़े बहुत बर्तन ही हैं जो अभी खाना खाया है, और उससे पहले जो बर्तन थे वो सब मैंने साफ़ कर दिए थे। अभी मुझे जो है वो कपड़े रखने हैं, ये वाले जो कपड़े हमारे चौधरी साहब लेकर के आए हैं प्रेस वाले कपड़े, उनको लगाना है अलमीरा में। तो बस यही लास्ट काम बचा है मेरा, और फिर दूध दूध का काम होता है जो कि रात का टाइम होता है ना, रात का जो काम होता है हमारा दूध चाय गोपाल जी को सुलाना, मांटू का सुबह के लिए मैं मतलब सारा वो तैयार करना, उसका बैग तैयार करना, उसकी ड्रेस पर प्रेस रख करना, सारी चीज़ों को एक जगह रखना, बहुत सारा रूटीन होता है सुबह का जो कि मैं रात को अपना ख़त्म करके आराम से लेटती हूँ। क्योंकि सुबह में क्या हो जाता है ना, कभी बाई चांस ऐसा हो जाए कि लेट हो जाए, हमारी आँख ना खुले, तो जल्दबाजी में भी इतना वो नहीं होता है, तो इसलिए मैं शाम के टाइम में ही अपना जो सारा वो करना होता है वो करके रख देती हूँ। और आज मैंने खाई है खिचड़ी, तो पता है जिसमें रोज़ आलू खाती हूँ तो थोड़ा सा अजीब सा लगता था, आलू नुकसान तो देते ही हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं आलू भी, तो जैसे आज मैंने खिचड़ी खाई तो इतना वो नहीं हो रहा, मुझे सही लगा, मतलब खिचड़ी मुझे खाने में सही लगी, और बस पेट भर गया है पूरा। और हाँ, मैं आप लोगों से ना कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रही थी, और वो हमारा अभी एक दो दिन से ही हमारा प्लान बना है। तो फ़िलहाल के लिए तो ये है कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और अगर एक शब्द में बोलूँ तो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, डिटेल में कैसे बताऊँ बस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हर चीज़ कंफर्म नहीं हुई है अभी कुछ भी, बट हाँ इतना है कि आपको जो आगे की वीडियो देखने को मिलेगी ना, उसमें आप मुझे नहीं, वैसे तो मुझे पता है कि वो अच्छी ही लगेंगी, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं कि उस चीज़ को ये बोल दे कि नहीं ये ऐसा है, ये आपने ऐसा क्यों किया या वो किया, तो आपको बहुत बड़े वाला सरप्राइज़ मिलने वाला है। फ़िलहाल के लिए तो इतना है कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, और कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, क्या शिफ्ट कर रहे हैं, क्या होगा, पर बहुत बड़ा चेंज आने वाला है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और मतलब डिटेल में ये नहीं है, देखो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये कमेंट बिल्कुल भी बंद करना कि इतना सस्पेंस बनाती है, इतना सस्पेंस कुछ भी नहीं है, सरप्राइज़ है, सस्पेंस अलग चीज़ होती है, सरप्राइज़ अलग चीज़ होती है, तो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है बहुत अच्छे वाला। और मुझे इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों को ये वीडियो जो आगे मेरी वीडियो आएंगी ना वो बहुत अच्छी लगेगी, तो सस्पेंस नहीं है, सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। फ़िलहाल इतना है कि शिफ्ट कर रहे हैं, क्या शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, घर शिफ्ट कर रहे हैं या क्या शिफ्ट कर रहे हैं, वो आप लोगों को तो उसके लिए तो आपको आगे आने वाले वीडियो देखने पड़ेंगे। अगर एक ही सीरियल में, एक ही एपिसोड में आपको ये पता चल जाए कि कल सीरियल में क्या होगा, तो एपिसोड कौन देखेगा भाई कल का नाटक कौन देखेगा, उसी तरह हमारी वीडियो कौन देखेगा अगर मैं सारी चीज़ें आज ही बता दूँगी तो।
थोड़ा सा तो घुमाना पड़ेगा। और सरप्राइज़ है, मैं आप लोगों के साथ में इतना कभी नहीं करती हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप लोग भी खुशी होने वाले हो सुन करके, देख करके आप बिल्कुल चौंक जाओगे। जी हाँ, अब देख लीजिए आप कितना बड़ा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। मैं तो बताए थे हुए भी बहुत खुश हो रही हूँ। टाइम लगा हमें सोचने में और आगे भी टाइम लगेगा हमको इन सब चीज़ों को करने में। मुझे पता है अभी आप लोगों के कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं होगा, ना आएगा भी नहीं, पर खुश आप हो जाओगे मेरे आगे जो वीडियोज़ आएंगे उन्हें देख करके। इतनी गारंटी है कि खुश हो जाओगे आप लोग। तो चलिए अभी हम इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी मुझसे प्यार करते हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सच में लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए और आने वाली वीडियोज़ को देखते रहिए, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है।